क्या आप भी हैं कब्ज से परेशान? तो अपनाइए यह बेहद आसान घरेलू नुस्खा और हो जाइए कब्ज से आजाद। कब्ज यह एक छोटी सी बीमारी मानी जाती है, मगर इसके नुकसान बहुत बड़े बड़े हैं। कब्ज से आज लगभग हर उम्र के लोग परेशान हैं और इस पीड़ा को झेल रहे हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत के 22% वयस्क जनता कब्ज रोग से ग्रसित है, यानी लगभग 28 करोड़ 60 लाख लोग रोज इस बीमारी से झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं। कब्ज को खत्म करने के लिए लोग अक्सर पिल्स या चूर्ण लेते हैं, जो अक्सर कड़वा रहता है। मगर आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएंगे जिसके न सिर्फ आपका कब्ज हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी भी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूँ अक्षता सहाय और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी हेल्थ टिप्स। कब्ज न सिर्फ पेट की तकलीफों को बढ़ाता है, बल्कि यह शरीर के बाकी हिस्सों पर भी प्रभाव डालता है, जैसे आपकी आंखें, बाल, चेहरा आदि, या आपके पूरे शरीर को अनफिट बना देता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किन चीजों का सेवन करने से आप अपने कब्ज से आजादी पा सकते हैं। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए जिन चीजों की हमें आवश्यकता है वो है दूध, अंजीर जिसे हम फिक्स भी कहते हैं, उसके बाद खजूर यानी डेट्स, इलायची और सेब। अब इसे तैयार कैसे करें, तो यह बेहद आसान प्रक्रिया है। एक ग्लास दूध लें, अगर यह दूध गाय या भैंस की है तो और भी बेहतर है, अगर नहीं है तो आप कोकोनट या आलमंड के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अंजीर के 2 छोटे टुकड़े लें और उसे दूध में डाल दें। अंजीर फाइबर गेन करने का एक अच्छा सोर्स है, जो हमारे पेट की गंदगी को साफ करता है। उसके बाद आपको जो इंग्रेडिएंट दूध में डालना है वो है खजूर। खजूर भी फाइबर का एक अच्छा सोर्स है और साथ ही साथ इसमें आयरन की प्रचुरता भी होती है। खजूर के गुठली को निकाल कर उसे दूध में डाल दें, उसके बाद एक इलायची डाल दें और अंत में एक सेब के छोटे छोटे टुकड़े डालकर उसे उबाल लें। बस आपकी घरेलू दवा तैयार है। यह न सिर्फ दवा का काम करेगी, बल्कि आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को भी बिल्डअप करेगा और खाने में इतना स्वादिष्ट कि बच्चे बूढ़े सब मांग मांग के खाएं। इस घरेलू नुस्खे ने आप कब्ज से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीरियसली। तो जाइए आप भी अपने कब्ज का इलाज तैयार कीजिए और हम फिर मिलेंगे किसी नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टीडी न्यूज और टीडी हेल्थ टिप्स। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, तभी तो हमारा अगला टिप्स आप तक पहुँच पाएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ पारितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।